हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अनिल अंबानी को हेल्थ बीमा बेचने की मेरी डील, राहुल बोले जब पीएम दोस्त हो तो हर डील मिलेगी। केंद्र की मोदी सरकार इन दिनों उद्योगपति अनिल अंबानी पर काफी मेहरबान नजर आ रही है। राफेल डील में रिलायंस डिफेंस को हिस्सेदारी देने के बाद अब केंद्र ने जम्मू कश्मीर के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्वास्थ्य बीमा खरीदना अनिवार्य कर दिया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि मैसेज रिलायंस जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ 8,777 रुपए और 22,229 रुपए कर्मचारी और पेंशनरों के लिए वार्षिक प्रीमियम पर किया गया है। ये पॉलिसी राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों, विश्वविद्यालयों, आयोगों, स्वायत्त निकाय और पीएससी को खरीदना अनिवार्य है। इस आदेश को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, जब आपका दोस्त प्रधानमंत्री हो तो आपको 1,30,000 करोड़ रुपए की राफेल डील भी बगैर किसी अनुभव के मिल सकती है, लेकिन रुकिए, बस यही काफी नहीं, आपके लिए और भी है। जाहिर है जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा लेने के लिए भी आपके साथ ही हाथ मिलाया जाएगा। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर में आदेश जारी होने से दो दिन पहले 18 सितंबर को अनिल अंबानी की रिलायंस ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की थी कि वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से अलग एक स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस की स्थापना कर रही है। स्वास्थ्य बीमा को समर्पित ये नई कंपनी मोदी की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ अगले साल की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। बीजेपी पहले ही राफेल डील में रिलायंस की हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए रिलायंस को फायदा पहुंचाने से बीजेपी की मुश्किलें लाजमी बढ़ सकती हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।